और अब एक बार फिर से बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो मुलाकातें हो रही हैं उन तस्वीरों की भी। मोहन यादव का नाम बतौर मुख्यमंत्री आने के बाद से ही मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की, जबकि कमलनाथ ने मोहन यादव से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच भेंट मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। मोहन यादव पूर्व गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। नरोत्तम मिश्रा ने उनको मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनका बहुत लंबा संसदीय कार्य का अनुभव है और हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के दोनों तरह के काम के अनुभव वाले, जिनको मंत्रिमंडल का भी और पार्टी का भी, और मैं समझ सकता हूँ कि उनकी बहुत आवश्यकता है। कई सारे मामलों में चर्चा करने के लिए मैं उनसे आया था। मैं उनका एक तरह से कॉलेज जीवन से ही बहुत अच्छे से गहरी मित्रता वाला भाव मेरे प्रति रहा है। इससे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ मोहन यादव से मुलाकात करने पहुंचे। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री चुने जाने पर उनको बधाई दी। दोनों ही नेताओं के बीच वीआईपी गेस्ट हाउस में मुलाकात हुई। बधाई देने में आया था, मैंने कहा था मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा जरूर होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी सर विपक्ष के तौर पे? विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, विपक्ष रक्षा करेगा मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश की भविष्य की। सर मध्य प्रदेश की कमान कांग्रेस की आप ही संभालेंगे? अब ये सब बात सोच रहे हैं, सबसे चर्चा कर रहा हूँ मैं। इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता उमा भारती से भी मोहन यादव ने मुलाकात की। इससे पहले कल मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान से घर जाकर मुलाकात की थी और उनका आशीर्वाद लिया था। मुलाकातों और बधाइयों का ये दौर आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा और ये सियासत का संस्कार है, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों सुर बधाई के लिए एक हो जाते हैं। मोहन यादव कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उधर मोहन यादव के समर्थक और परिवार के लोग जश्न में डूबे हुए हैं। क्या हाल है मोहन यादव की ससुराल का, आइए वो दिखा देते हैं आपको। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने की सूचना के बाद से एक तरफ समर्थक जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके ससुराल सुल्तानपुर में भी जश्न है। ससुराल वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। नगर कोतवाली के डिहवा मोहल्ले के रहने वाले ब्रह्मदीन यादव की बेटी सीमा यादव की शादी मोहन यादव से हुई है। मोहन यादव के ससुर ने इसे ईश्वर का आशीर्वाद कहा। नहीं तो उत्तर प्रदेश के निवासी उज्जैन में जाके शादी करते हैं, कौन जाता है वहाँ शादी करने? दिन लड़की ने TS कॉलेज से MA पास किया था, वो वहाँ विद्यालय परिषद का काम करती थी लड़की भी, वो स्वयं विद्यालय परिषद का काम करती थी। मोहन यादव ने विधानसभा चुनाव में उज्जैन दक्षिण से जीत की हैट्रिक लगाई और इसके साथ ही पार्टी हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश की कमान सौंप दी। मोहन यादव का परिवार इस उपलब्धि से काफी खुश है।